तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है हमारा, ऑस्कर अवार्ड के ऊपर रहने वाला। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ऑस्कर अवार्ड, रीज़न क्या है? ठीक है, देखो अभी आपका एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी है ना, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है अभी, फिर सीजीएल के एग्ज़ाम आने वाला है, और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही, मतलब सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें करंट अफेयर। और करंट अफेयर यार आप कहीं भी पढ़ लो, पढ़ा तो सब देते बहुत अच्छा अच्छा एक घंटा क्लास, लेकिन याद कोई नहीं करवाता। मेरा करंट अफेयर करवाने का रीज़न ये है क्योंकि देखो, करंट अफेयर में कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, पुरस्कार हो गया, आईफा अवार्ड हो गया, ऑस्कर हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, बहुत सारे जीआई टैग है, ये है ना, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके फिक्स आते ही आते, तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक उससे करंट अफेयर में आना ही आना क्वेश्चन है, तो आप उसको छोड़ करके जाओगे तो सर दर्द। और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको रट कर याद कर पाना पॉसिबल नहीं, बहुत बड़े बड़े टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं बड़ा प्यार से पढ़ाएंगे, 94th इसका अवार्ड कोडा को मिला, ये मिला, ये फिर, ये मिला, फिर बस आप भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। तो लेकिन मेरा क्या है ऐसा कि आप उस चीज को अभी यहीं पे याद करवाओगे, और ये मैं अभी दिखाऊंगा, और ऐसा याद करवाऊंगा रिलेट करके, हम जो बताते उसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, रिलेट करके इतना अच्छा से बताएंगे उसी को मैं ट्रिक बोलता हूँ। ट्रिक वो वैसा जो हमेशा एग्जाम में आपका याद है, ठीक है? तो मेरा ट्रिक ऐसा रहेगा, आपको एग्जाम में मेरा ट्रिक याद आएगा, ठीक है? मैं ऐसा कहानी बना करके आपको बना दूंगा ना पूरा ट्रिक, कि आप ट्रिक मेरा कभी भूलोगे नहीं, कितना ट्रिक याद करोगे यार, लेकिन मेरा ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगा और जिंदगी भर याद रहेगा। आप जबरदस्ती भूलने की कोशिश भी करोगे ना, बोले यार ये ट्रिक भूल क्यों नहीं रहा भाई, क्योंकि मैं इसका प्रूफ दे चुका हूँ, इससे पहले भी मैंने एग्जाम्स कवर किए थे ट्रिक के साथ, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को मिला था, ठीक है? और स्टैटिक जीको का हम लोग का वीडियो का चल रहा है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखो, 7-8 वीडियो हम लोगों ने वहां कर रखा है। तो आज देखो 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 और उसके साथ साथ 95 ऑस्कर अवार्ड भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। अगर मान लो अभी लेटेस्ट है ये, और ये अवार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इस बार जो ऑस्कर अवार्ड में दो भारतीयों को मिला है ऑस्कर अवार्ड, है ना, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला और एक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू आरआर मूवी के लिए, तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बार का। लेकिन ये चीज़ याद रख, ज़्यादा जो चर्चा में रहता है करंट अफेयर उससे नहीं पूछा जाता है अक्सर, उसे पीछे वाले पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने 94 ऑस्कर अवार्ड को लिया है। तो अब देख कितना डरो मत, जितना बड़ा कंटेंट दिख रहा ना उतना 2 मिनट में मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। अब देखो बात करते हैं 94th ऑस्कर अवार्ड 2022। अब हमारा सीरीज क्या रहता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमारा सीरीज क्या रहता है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, फिर बेस्ट फिल्म लेते हैं, फिर एक्टर मतलब अभिनेता, फिर बेस्ट एक्टर, फिर डायरेक्टर लेते हैं। तो अब देखो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, कोडा को मिला, ठीक है? फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, बिल स्मिथ को, किसे मिला है, बिल स्मिथ को, किस मूवी के लिए, किंग रिचर्ड, ठीक है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, जेसिका चेस्टन को मिला है, कौन सी मूवी में उन्होंने रोल प्ले किया था, द आईज ऑफ टॉमी फे, है ना, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चेस्टन को मिला। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्देशक की बात करें तो जेन कैंपियन को मिला, द पावर ऑफ द डॉग मूवी में, है ना, उनके लिए मिला। अब इसका ट्रिक देखो यार, देखो नाम ही इतना खराब है ना कि याद नहीं हो पाएगा, आपका टंग स्लिप करेगा, ठीक है? तो कैसे हमको एग्जाम में याद रहेगा, ठीक है? आप नहीं याद है ना, तो देखो अब इसको हम लोग कैसे ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, कोडा बिल जेसीबी से कंपन हुआ, समझो क्या है ना, एक मेरे घर के सामने बहुत बड़ा बिल है, चूहे का बिल है, अब उसको चूहे के बिल को कोड़ के हटाना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, जेसीबी को मंगाएंगे, जेसीबी से क्या होगा, बिल को कोड़ेंगे, तो बिल को कोड़ेंगे तो क्या होगा, कंपन होगा ना, वाइब्रेशन होगा, तो जेसीबी से जैसे ही बिल को कोड़ा तो कंपन हुआ, है ना, तो बस यही हमारा ट्रिक बन गया, क्या हुआ, कोड़ा बिल, बिल को कोड़ा, किस चीज से कोड़ा है आपने, जेसीबी से कोड़ा है, तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा ना, कंपन होगा, बस यही तो ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। तो कोड़ा से क्या हो गया आपका, कोड़ा, तो यहां भी कोड़ा, कोड़ा से बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म के लिए किसे मिला, कोड़ा को अवार्ड मिला। बिल, तो बिल से क्या हो गया, बिल स्मिथ, देखो मिल रहा है ना, पूरा 90% मिलेगा, बिल से बिल स्मिथ, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ को मिला। अब बात करते हैं जेसीबी, तो जेसीबी से किसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसीबी, जेसीबी से जेसिका चेस्टन, जेसीबी जेसिका चेस्टन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, से आपका साइलेंट रहेगा। फिर कंपन, तो कंपन से क्या है, जेन कैंपियन, जेन कैंपियन, कैंपियन कंपन, कैंपियन कंपन रिलेट हो रहा है, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, है ना। तो देखो ट्रिक इसको बोलते कि 70-80% चीजें वो आंसर से रिलेट होना पाए, तो बस ये ट्रिक था, कोड़ा बिल जेसीबी से कंपन, कोड़ा से बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बिल से बिल स्मिथ बेस्ट एक्टर, जेसीबी से जेसिका चेस्टन बेस्ट एक्ट्रेस, कंपन से जेन कैंपियन बेस्ट डायरेक्टर। देखो अभी याद हो गया, अभी आपको भूलना नहीं, अब रटना ही नहीं, बस अभी वीडियो देखो, कॉपी में लिखो, फिर सो जाओ आराम से। अब बात करते हैं 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 किसको मिला, तो देखो बेस्ट फिल्म, फिर एक्टर चलते हैं हम लोग, फिर एक्ट्रेस चलते हैं, फिर डायरेक्टर चलते हैं। दो ऐड हुआ है नया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ये पहले भी मिलता था लेकिन इस बार भारतीयों को मिला, इसीलिए चर्चा में है, तो हमको पढ़ना है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। अब देखो बेस्ट फिल्म की बात करें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस,
देखो कितना बड़ा नाम है ना, इसको कैसे चुटकियों में हम लोग याद करेंगे अभी। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मतलब अभिनेता का अवार्ड किसे मिला, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला द वेल मूवी के लिए, ठीक है। बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री को किसे मिला, मिशेल योह को मिला है ना, और कौन सा मूवी के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यही सेम मूवी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट को मिला है ना, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट दो लोगों को आपको यहाँ पे मिला है। फिर बात करते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये इंपॉर्टेंट है यार, किसको मिला है, द एलिफेंट विस्पर्स को मिला, द एलिफेंट विस्पर्स को मिला, जो कि भारत की मूवी है। ये बहुत ही प्राउड की बात है हम इंडियंस के लिए कि कोई भी भारत की, और इसमें जो दो बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं ना उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी हाथी वाला, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है और सुर्खी में भी रहते थे, ये जब हवाई जहाज में चढ़े थे तो लोगों का अभिवादन हाथ जोड़ के कहते, ये बहुत ही सुर्खियों में रहता है, मतलब उनकी नम्रता दिखाता है, तो उन लोगों को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है ना। अब बात करते हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला, नाटू नाटू, ये बताने की जरूरत नहीं, हर बच्चा जानता है, फिल्म आरआर के लिए मिला है, ठीक है। अब देखो इतना कैसे याद रखो यार, बेस्ट फिल्म इसको मिला, बेस्ट एक्टर, देखो अब कैसे याद रखो, मैं एक स्टोरी बताऊंगा, बस वही स्टोरी आपको दिमाग में रखना, मेरा भी ट्रिक नहीं रटना है, बस आप जब एग्जाम में जाओगे ना मेरा स्टोरी याद आएगा, ऑप्शन मार के आप निकल जाओगे, ठीक है। दूसरे को सोच रहे होंगे क्या था क्या था, लेकिन आप मार के वहां तक निकल जाओगे। देखो क्या है, एलिफेंट का यहाँ चर्चा हुआ ना, तो मान लो कि मेरे घर में एक एलिफेंट बहुत प्यारा है, नाटा सा एलिफेंट है ना, उसका नाम भी क्या है, नाटा, नाटा सा एलिफेंट, उसका मैंने नाम रख दिया नाटू। तो मेरे घर में एलिफेंट है, अब घर में एलिफेंट है तो क्या खाएगा, घर का खाना खाएगा, जाहिर सी बात है। और घर का खाना क्यों खाएगा यार, क्योंकि घर में हर एक ब्रांड है, एवरी ब्रांड के मसाले का खाना बनता है, तो मतलब घर में मसालेदार खाना बनता है, तो एलिफेंट मेरा जो नाटू है इसको घर का खाना खाने का आदत लग गया। और कौन कौन मसाला खाता है, MDH हो गया, एवरीडे हो गया, सब ब्रांड का मसाला खाता है, तो ज़्यादातर कौन सा मसाला खाता है, एवरीडे ब्रांड का, वो मसाला को ज़्यादातर चाव से खाता है, कौन, मेरा एलिफेंट नाटू, बस खत्म। इतना याद रखना, इतना तो याद रखेगा, मेरे घर में एलिफेंट है, क्या नाम है उसका, नाटू है, क्या खाता है, एवरी आपका क्या बोलते हैं, एवरीडे कंपनी का मसाला खाता है, ब्रांड का, बस ये आपको याद रखना है ना। तो अब देखो क्या होगा इसका ट्रिक, एवरी ब्रांड मसाला, कौन सा मसाला, एवरी ब्रांड मसाला वांट एलिफेंट नाटू, वांट मतलब चाहता है, कौन, एलिफेंट नाटू, ये याद नहीं रहेगा क्या, ये याद नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम में कुछ भी चीज़ याद नहीं आएगा, ठीक है। तो एवरी ब्रांड मसाला वांट एलिफेंट नाटू, जितना आप रटने में याद करोगे उतना दो लाइन आप इसको सिर्फ रिविजन कर जाओगे आपको याद हो जाएगा। तो एवरी ब्रांड मसाला वांट एलिफेंट नाटू, एवरी ब्रांड मसाला वांट मतलब चाहता है, कौन, एलिफेंट नाटू, बस। एवरी से क्या हो गया, एवरी से एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो एवरी से बेस्ट फिल्म का अवार्ड। फिर बात करते हैं ब्रांड, तो ब्रांड से देखो तो बेस्ट एक्टर में क्या रहा, ब्रेंडन फ्रेजर, ब्रांड ब्रेंडन, ब्रांड ब्रेंडन, तो क्या बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसको यहाँ पे आपको मिल गया। फिर बात करते हैं मसाला, तो मसाला से क्या आ गया, मिशेल यो, मिशेल यो, बस कुछ तो रिलेट हो रहा है ना, मिशेल मसाला से मिशेल, तो मिशेल यो हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वांट, तो वांट में देखो वान है और ट है, अब किसका आता है एक्टर का, डायरेक्टर, तो वान, वान से क्या हो गया, डेनियल क्वान, देखो यहाँ पे डेनियल क्वान, क्वान का वान लिए और सेइनट का क्या लिए, ट लिए, तो वान से डेनियल क्वान, ट से डेनियल सेइनट, ट आ रहा लास्ट में, ये हम लोग लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद एलिफेंट, तो एलिफेंट से क्या होगा, आपको तो यहाँ दिख रहा है ना, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, भारत की मूवी है, तो एलिफेंट से द एलिफेंट विस्पर्स भारत की बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी को मिला। फिर नाटू, नाटू से तो क्या हो गया, ओरिजिनल सॉन्ग, कौन सा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, नाटू नाटू फिल्म आरआरआर के लिए, तो आप बताओ आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। और एक फैक्ट मैं बताता हूँ, ये ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत कब हुआ, 1929 को हुआ और अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, बेस्ट फिल्म के है ना, बेस्ट फिल्म के जगत में, निर्देशक के जगत में, एक्टर एक्ट्रेस के लिए दिया जाता है, ठीक है। और हमारे भारत में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था, भारत में भानु अथैया जी को मिली थी, जो भाई तो पूछेगा आपसे भारत की पहला नागरिक कौन है, भानु अथैया, और वो नागरिक क्या थी, महिला थी, ठीक है, ये याद रखना, तो महिला प्लस नागरिक भारत की भानु अथैया। किस लिए मिला था, तो 1983 में गांधी मूवी के लिए, गांधी मूवी में उनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिला था भानु अथैया की, है ना, पहली महिला और नागरिक भी वही है, ठीक है, जिनको बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था भानु अथैया को। तो चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर शेयर करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ट्रिक कैसा लगा आपका, ठीक है, और इस चीज़ को नोट करके लिखो, ठीक है, एक बार लिख लो नोट करके और दो तीन बार रिविजन कर लो, बस उसके बाद आप सो जाओ, एग्जाम के पहले रिविजन करना। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।